इसी वजह से नेपाल की राजधानी काठमांडू बुरी तरह जल रही है, क्योंकि वहां राज परिवार को दोबारा सत्ता सौंपने की मांग करने वाली भीड़ अचानक बेकाबू हो गई। राजतंत्र का समर्थन करने वाले हजारों लोग नेपाल का झंडा लेकर वहां की सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए और नेपाल को दोबारा राजा ज्ञानेंद्र शाह के हवाले करने की मांग करते दिखे। इस दौरान काठमांडू की सड़कों पर सरकार के खिलाफ जुटी भीड़ गुस्से से तमतमाई नजर आई। वो देखते ही देखते बेकाबू हो गए और उन लोगों को रोकने के लिए नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल को वहां सेना की तैनाती करनी पड़ गई। इसके बाद तो वहां हालात और बिगड़ गए। हालत ऐसी हो गई कि जैसे ही वहां के जवानों ने प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेलने की कोशिश की, वहां तनाव चरम पर पहुंच गया। आरोप है कि इस दौरान भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने सेना के जवानों पर पत्थरबाजी भी की और इसके बाद वहां लाठीचार्ज हुआ, जिससे भगदड़ मच गई। हालांकि इसके बाद भी प्रदर्शनकारी नहीं रुके और फिर उन्हें वहां से खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए और जब इससे भी काम नहीं बना तो फिर उन पर वाटर कैनन के जरिए पानी की बौछार भी की गई।